गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिन की शुरुआत बहुत ही ज्यादा अच्छे काम से हो रही है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गाड़ी में क्या लग रहा है? और आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पिछले मेरे हिसाब से 6-7 महीने हो चुके हैं और ज्यादा हो चुके हैं, हर सैटरडे हम लोग भंडारा रखवाते जिसके अंदर मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए खाना होता है। तो आज महाशिवरात्रि है और आज सैटरडे भी है तो भंडारा है। मैं आज जा रहा हूँ, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ क्योंकि मैं जाता था वहाँ पे फिर भीड़ लग जाती है, फिर वो थोड़ा संभालने में नहीं आती चीज़ें। तो आज मैं जा रहा हूँ महाशिवरात्रि के मौके पर, मैं कहा चलो थोड़ा धर्म पुण्य हमारे हाथ में भी लग जाएगा महाशिवरात्रि के ऊपर, तो भला हो जाएगा, भगवान का भी हमारे ऊपर कर दे थोड़ा सा है। तो वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद बनाएंगे आगे के सीन। लक्ष्य अर्चित सारे लोग वहीं पर ही हैं तो आज ये भी नहीं पता मेरे को इनने क्या बनवाया है, वहाँ पे जाके देखूंगा। मैंने भी कुछ रखा है, वहीं खाऊंगा भंडारे में दही। तो अभी सीधा मिलते हैं आपको भंडारे। भाई कहाँ का नंबर है भाई? ML हाँ ML ही तो है, ML होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ML तो ना पता भाई कहाँ का है यार, ये कमेंट करके बता देना भाई, मैं अनपढ़ हूँ थोड़ा। रुको भाई, पता है आप जब नहीं थे ना तब ज़्यादा भीड़ थी। आंटी को दे दो, आंटी को खाना दे दो। हर बार आके खाना बचा लिया करूँगा। हाँ भाई बिल्कुल यार, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। भाई चावल और डाल दो, मैं तो हमको एक भगोना हो रहा है भाई। भाई अंकल को दे दो, अंकल को दे दो, राजमा दे दो, राजमा दो भाई जी, राजमा महाशिवरात्रि भाई बहुत बढ़िया जा रही है भगवान की दया से। राजमा राजमा अपना मस्त भाई, फिर से थोड़ी भीड़ आ गई है आज हम लोग। अभी तो चावल भाई और बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे अभी तो भाई, पूरा ये बचा अभी, अपना मस्त चल रहा भाई खाना। महाशिवरात्रि भाई गाइज सबको भाई आ गया एक बार सुनो, एक वो इसको खींच लेना, इसको इस पर डालो भाई, एक बार चावल को बहुत बढ़िया भाई, तो कालो भाई सारे, चलो भाई कर दो खैर के, मीटर खेच दो भाई। भाई तो अभी से भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है, पर भाई कोई खाना नहीं खा रहा यार, कोई खाना ही नहीं खाना है भाई। हाँ हमने ये सोचा नहीं पता है, पर कोई बात नहीं भाई, सब खा रहे हैं, अंकल भी खा रहे हैं, मस्त अपना खाना चल रहा है। खाओ अंकल जी, मस्त मस्त सारे भाई रहे भाई अपने, खिलाओ भाई, खिलाओ सबको, खिलाओ भाई। अपना नेक काम खत्म करा, उसके बाद अब मैं एक बार जा रहा हूँ दाढ़ी सेट करवाने क्योंकि शाम को अपना अवार्ड फंक्शन है। जिसको नहीं पता, वैसे बता दी होगी, तुमने ब्लॉग देखा होगा कल का, तो तुम्हारा भाई नॉमिनेट हुआ है कि कौन सा बेस्ट क्रिएटर होगा उसमें। देखो पब्लिक ने वोट वोट दिए होंगे, मुझे तो जीत जाएंगे, नहीं तो भगवान भरोसे, हमारे शिव जी के भरोसे, हम तो हनुमान जी के भरोसे, क्यों भाई। तो अभी एक बार जा रहा हूँ दाढ़ी डूटी सेट करवाने और फिर अपना ड्रेस कोड देखूँ के पहनूँगा सामने, और सारे भाई रेडी है, अपनी पूरी टीम रेडी है, मतलब अपना सिस्टम तो जाएंगे। और एक हमारा जोगिंदर भाई भी आ रहा है, भगवान ने चाहिए तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी, आज ही हो जाए तो और बढ़िया, अभी हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। हम क्योंकि पैसा वाला कोई सीन ना यार, लड़ाई झगड़े वाला, अगर मिल भी गया ना भगवान कसम, मैं तो भाई खुद ते गड़े मिलूँगा अपने भाई ते, वैसा मेरा मूड भी नहीं करता मेरा लड़ाई झगड़े करना, और खासकर जोगिंदर पर, क्योंकि अगर सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल जोगिंदर आया कुछ, वो तो है वैसा थोड़ा, समझ रहे हो ना, तो कुछ कहेगा अगर, पहली बात तो मुझे ऐसा लगा वो भी सीरियसली कुछ ना कहेगा, अगर वो सीरियसली कुछ कहेगा तो हम भी कुछ कह देंगे ना, तो भाई मेरा तो यही रहा है, हम तो गड़े मिल के ठीक करने वाले बाड़क हैं, हम तो ठीक ही रहे हैं,
ना हम लड़ाई झगड़े करते इतने फालतू फंडे के, बेफालतू में क्या कर लेंगे वहाँ पे, कोई इतने मवाली तो हुए नाम की रोड के ऊपर, या फिर धक्का मुक्की कर देंगे, या फिर कुछ भी वैसा कर देंगे जिसमें अपनी इमेज खराब हो कि भाई कि अच्छा सॉरी कि बंदे इतने बड़े हो गए यार, इतनी बड़ी एज हो रही है, इतने किसी मुकाम पर पहुंच रखे और रोडों पे लड़ाई करते फिर रहे हैं। इस वाली चीज़ में तो मुझे अपना नाम नहीं लेके आना, देखो और कोई अलग चीज़ में अच्छी चीज़ में नाम आओ तो देखी जाएगी, बाकी देखो भगवान ने जो चाहा वैसा होगा। अपने जोगिंदर भाई से मुलाकात होगी आज रात को, शाम को आएगा तो, और अपना जाऊँगा मैं, कई भाई की परफॉर्मेंस अपने फाजिलपुरिया भाई की भी है, डीजी की भी है, और भी बहुत सारे हैं उनकी भी देखूंगा, पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री आ रही है। तो भाई हम तो चाहते हैं दिल से कि जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम तो चाहते हैं पूरा देश आगे जाए, बट हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मैं तो चाहता हूँ भाई हमारी हरियाणी इंडस्ट्री को इतना नाम मिले जितना जैसे हमारी पंजाबी इंडस्ट्री है, भगवान की दया खूब आगे है, खूब बढ़िया। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी ग्रो हो और लेवल अप करें ताकि ग्लोबली पहचाना जाए। जैसे कल ऐसी छोरी बिलबोर्ड पे 20 नंबर पे आया, मैं बहुत खुश भाई कि हमारा भाई है डीजी, उसके साथ मैंने गाना भी कर रखा, बैड गाय जो भी था अच्छा था। तो हम तो चाहें भाई हमारे सारे भाई आगे जाओ और हरियाणवी इंडस्ट्री का अपने देश का नाम रोशन करो और बढ़िया लगे। तो आज अभी एक बार मैं दाढ़ी मूछ सेट करवा लूँ, फिर जाऊँ घर पर मिलवाऊँ मम्मी दें, क्योंकि सुबह मैं निकल गया था जल्दी भंडारे के चक्कर में। तो एक गाड़ी दूँ तगड़ी भाई, जैसे नहीं पता ये मिनी कूपर नई वाली, मिनी कूपर एस, तो ये है वो नया वाला मॉडल, ये पैराडॉक्स ने लिया अभी कन्वर्टेबल, इसकी अच्छी गाड़ी है यार, मतलब छोटी भी नहीं है, सही है, बट इसका प्राइस थोड़ा हाई है, बाकी तो सही है नो डाउट। हाँ जी मालकिन जी, मालकिन जी आ गए आप, लो भाई मैंने पता मैं तो ऐसे ही आ गया था, वो चल रहा भाई पत्थर पुत्थर का काम चल रहा अपना बढ़िया। लो हम कौन सी मंजिल पे मोटे पता, हम चौथी पे, हम फोर्थ मंजिल पे, लो देख लो भाई वैसे पांचवी पे है, हाँ चौथी पे लगा ले भाई, यहाँ से सूरज थोड़ा पास है ये रहा। हाँ ये मकान है जिनका जिसका भी है, किसी ने इतने कमजोर सरिये क्यों लगाए हैं, ये कमजोर सरिये ये हमारे पीछे घर बन रहा है जो भाई पता ना, पूछ क्या उनसे, अब कम नीम खुदी है मारते हमारे तो 8 फुट की नीम थी, इनकी कितनी है, 3.5-4 फुट की थी बस। ओ माय गॉड क्या कह रहे फिर ये, कह रहे 4 मतलब कितनी मंजिल बनाओगे, कह रहे 4 यानी कोई 5 टेल समेत, तो मैं कह रही हूँ इतना हल्का सरिया लगाने की जो मकान बना रहे हो, एक्चुअली क्या मम्मी चिड़े है, मैं क्यों मोटा सबसे चिड़ा है जो जो तरक्की कर रहा हूँ जीवन में, ये मेरे से भी चिड़ा था पहले, अब ये दोस्त बना मेरा, कोई नहीं लो जी पांचवी मंजिल चौथी मंजिल, चल घर चल, कोट पैंट प्रेस कर चल, अभी चलेंगे थोड़ी देर, क्या और चप्पल से ले रही है पैसा है इसमें, तो मैं चल दूंगी तुम उठा के, भाई वाह बहुत पैसा है, देखें क्या क्या चल रहा है, वाओ इतना शावर ले लेते हैं, ये फुट आ गया, लो ठीक है भाई अपना वॉशरूम, वो तो मेरे पास एरिया बहुत है उसका, तो लो ये बैठने के जकूजी कहाँ लगेगा, मेरा जकूजी कहाँ लगेगा, जकूजी है क्यों क्या करना, देखा यार मम्मा जकूजी में नवाज दो यार, यहाँ लगवा दो मेरे जकूजी सब पढ़ पढ़ के बता मैं, लो जी भाई और अपना मकान और इस मकान की मालकिन अरे और अपनी पुरानी गाड़ी 21-21 स्मोटा कैसी लग रही है, वापस आ गई गाड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है, बैठ जाए इसमें जा तू चला ले, चला मैंने सिखा दे, तू सिखा दे चल हाँ। बाद में हूँ भाई, गाड़ी तो ब्लॉक करेगा कोई, किसकी गाड़ी अल्टो है, अल्टो किसकी गाड़ी भाई हो, अभी निकाल भाई डोगी जल्दी निकाल दे, भाई वाह भाई वाह, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा भाई अवार्ड फंक्शन के लिए रेडी, और बढ़िया लग रहा है तो 10 साल वो लग रहा है जवान, ऑलवेज रेडी विद द सूट, कभी अवार्ड शो में गया नहीं मोटे, ऑल द बेस्ट बोलो, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक्स मोटलो भाई, सेंट लगा लिया अपना भर के कैड़ा, अपनी स्पीच भी रेडी कर ली मैंने, मैं कहा अवार्ड मिला ना मुझे तो मैं क्या बोलूँगा, पहली बार अवार्ड मिला, राम राम भाई साहब ने आपका मोटो भाई, मेरी स्पीच रेडी होगी, चलो कोई नहीं विश मी लक गाइस, लो जी ढंग से देख लो भाई, सारे भाई रेडी है, यार रखे अपने सारे भाई रेडी, भाई रेडी पैर सिस्टम, सारे भाई रेडी, अभी 10 मिनट में निकल जाएंगे, फाजिलपुर भाई से बात हुई, वो भी 10 मिनट में निकल रहा, हम भी 10 मिनट में निकलेंगे, डलो जी सिस्टम सेट, ये जोगिंदर से धमकी दे रहा अंदर बैठ के, शाबाश दे और जोगिंदर से धमकी दे, खुद ही करना पड़ेगा भाई, हम तो देना करें धमकी, हम बदमाश ना है, बैठो जी बैठो, आओ हाँ मैं इसमें जा रहा हूँ रेंज में, भाई सारे जने रेडी हैं, बट हमारा एक भाई नहीं जा पाया आज, कौन दिनेश भैया, दिनेश भाई जो हमारी गैंग मेंबर इंपॉर्टेंट पर्सन, लाइट जला लो ना भाई, भाई को कुछ काम याद आ गया, कहाँ से चढ़ा इसकी, भाई को कुछ काम याद आ गया, बैठो तुम तो चलो आओ भाई, ओके ओके।
मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर वेल इनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है एंड दिस यंग इन द हाउस एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर अच्छा जो लोग कंग्रेचुलेशंस हैं नहीं एंड भाई मैं जिंदगी में नर्वस नहीं हो सकता अभी आएगा तुम्हारे भाई का देखना बोला एंटरटेनमेंट ज्यादा सुंदर लग रही हूं बहुत ठीक है ठीक लग रही है राज जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर कमाल कमाल पर खसाड़े तो थोड़ा कम मतलब दिलों की धड़कन लड़कियों को तो आपने पागल ही कर रखा है लड़कों को उससे ज्यादा कर रखा है सारे हरियाणा से उन्होंने तो मेरी तारीफ अपने अंदाज में की तुम कुछ कहना चाहोगे धन्यवाद छोटे छोटे बालक मजे ले रहे अपने अपने भैया आ रहे अपना भाई आगा भाई एक नंबर यू लग रहा है ऑल ब्लैक होगा ऑल ब्लैक और अपने डीजी भाई मेरे लखू ना कसर छोरी की से चीज की चलेगी अरे मेरे होटल साहब क्या हाल है तेरे पे कोई आज आवेगी साथ तेरे चलो मेरा साया माता मेरी आने और इस सेट ऑफ अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड जो हम देने जा रहे हैं वो है इमर्जिंग म्यूजिक लेबल इमर्जिंग म्यूजिक लेबल एंड द अवार्ड भाभी देख लो भाभी देख लो इमर्जिंग म्यूजिक लेबल घोषित करते हैं और इधर आइए प्लीज आप आइए स्टेज पर विराजमान हो जाइए अब नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड जो है वो है बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर का नॉमिनेशन वीडियोस प्लीज माइक का क्रीड़ा तो शुरू होता है तो क्या बोलेंगे राम राम जी सपने आया हूँ मैं अभी तुम देखना इस वजह से आया हूँ पता लग गया एक बुलावे पाया करो एक बुलावे पे रोज नहीं मिलते ये कार्यक्रम रोज नहीं मिलती है स्टेज रोज नहीं मिलता ये मान सम्मान और इन लोगों को अगर तोड़ दोगे तो जिन लोगों ने नू सोचा होगा कि इन हरियाणवी कला खारा खातर कुछ करा वे भी पिछड़ जाएंगे भाई साहब हम सारे टूट कर रह जाएंगे छोटे छोटे मठाटी हेली से अरे हम फैन सब भोले शिव जी के तू आसा राम की चेली से बोलूंगा बोलो सभी बोल दू सच्ची जो तू बोलना चाहूंगा मैं रोज सुनता हूँ बस इतनी लड़कियों का प्यार है आपके पास मैं अकेली बोल के क्या ही करूंगी और आपने कुछ कहना चाहने से पहले आपने इतना टेंट लगा दी इतनी देर में टेंट पाट जाएगा रामा में हो मेरी स्टोरी बहुत गड़ी दुखदायक है मैं घर क्या की नजरा मैं था करूंगा राजू खींच के दूंगा
भाई जोगिंदर का तो पुलिस मैटर हो गया। जोगिंदर कह रहे भाई बाहर चला जा। यहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए मिलिंद भाई आए हैं, तो एक बार जोरदार ताले मिलिंद भाई के लिए। और प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज मिलिंद जी, प्लीज। भाई जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे आज मौजूद हैं, और ये मेरी गारंटी है जितने आज हैं और जो थोड़े बहुत नहीं आ पाए किसी काम की वजह से, वो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, उनका भी हम वेट करते रहेंगे। सो प्लीज अभी जितने आप सब लोग हैं, ये अवार्ड मेरा नहीं, आप सब लोगों का। सो प्लीज दिस फॉर यू गाइस, this for you, this for everyone, this for all Haryana industry. Thank you. आयो हमारे हरियाणा के गाने आ चुके, जिम्मे छू हमारे इधर हरियाणा भी था रे 1.5 लाख की एन का वेट करते रहेंगे। सो प्लीज अभी जितने आप सब लोग हैं, ये और मेरा नहीं, आप सब लोगों का। सो प्लीज दिस फॉर यू गाइस, दिस इस हम लोग आप सब लोग आए मेरे कहने से, आप सब लोग आए, आपने मेरे पर भरोसा किया, और एक जो प्लेटफॉर्म हम अपने हरियाणा के लिए बनाने जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं और इसे और बड़ा बनाना है भाई, बस यही सोचा है। फ्रॉम डे फर्स्ट मैं कोशिश कर दूंगा, सब घर में कलाकार पंजाब में नहीं हरियाणा में भी बहुत है, और हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम सबको इकट्ठा होकर इस इंडस्ट्री को बॉलीवुड लेवल भड़ाका के जरिए उठावेंगे। सो मेक सम नॉइस फॉर हरियाणा इंडस्ट्री। खड़े हैं, और अगला अवार्ड जो जा रहा है वो जा रहा है ये। भाई मेरे को लगा ये मेरा था, पर नहीं सोच अभिमन्यु सिंह चीफ गेस्ट एंड सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा, डायरेक्टर आरपीएस इंस्टीट्यूशंस। जितने भी साथी हैं मेरे, जितने भी कलाकार भाई हैं, प्लीज भाई भाई सुनो, सर के लिए जोरदार तालियां, कुछ नहीं मिलेगा, शो भी तक चल रहा है हमारा। हां जी, ऐसे कैसे पास नहीं मिलेगा इनको, इसको क्रॉस कर चुके हैं। आगे आगे बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर, इसमें बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू कौन-कौन है भाई इसमें? बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड goes to Lalu Jali.
अवार्ड फंक्शन में से निकल चुका है भाई, बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तुम्हारे भाई को, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे को शॉर्ट्स वाले की ट्रॉफी दे दी गलती से, और सुजल ठुकराल नाम का भाई है अपना एक, उसके पास मेरी वाली ट्रॉफी चली गई। तो कल ये पीछे दिखाई ट्रॉफी दिखाई बार पीछे टाग है वो भाई, तो हवाबाजी कर रहा स्टोरी स्टार डाल के हवाबाजी कर रहा बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर का भाई। नहीं हो तो अनाउंस हुआ था हमारा नाम भाई, ये रही आपकी ट्रॉफी भाई, ये ट्रॉफी अपनी देख लो, ये मिली है तुम्हारे भाई को, पर ये उस भाई की है समझ रहे हो ना, मेरी वो कल ले गया, तो कल काम कल नहीं मंडे को मेरा पेपर है ना सूरज में, इसे इतने तो ले जाऊं फिर मैं घर पे मम्मी से दिखा दूंगा मैं कल रात को उठा लूंगा फिर से। ठीक है, तो इसका पेपर है भाई मंडे ने ट्रॉफी अपनी उल्टी आ जाएगी बेस्ट क्रिएटर वाली। इतने में मेरे भाई ने गाड़ी के द्वारा ड्रॉप कर दूं और फिर अपने घर निकलूं, क्योंकि घर जाके सो जाऊं, एडिट करूंगा यार ये ज्यादा क्लिप बना दी बालकों ने इनकी अवार्ड लेते उड़ की है ना। और जोगिंदर का एनकाउंटर हुआ भाई, जोगिंदर देखो फ्रेंडली मीट था यार, सबने नू लगा जब जोगिंदर आया ना और मैं खड़ा हुआ वहाँ भीड़ सी लग गई, सबने ऐसा लगा लड़ाई बच गई, तो पुलिस वाले भी आ गए कि भाई क्या ये वो, उससे पहले तो मैं बैठ चुका था तो मेरे को सुनने में आई पुलिस वाले ने धक्का धुक्का मार दिया, जोगिंदर गया बैठ चल उधर चल, ये मेरे को सुनने में आई, मेरे को पता नहीं इनने मेरे को बताई, तो मैं कहा भाई ये जो अगर ये हुआ तो गलत हुआ भाई जोगिंदर भाई के साथ, बाकी जोगिंदर ने अपना फ्रेंडली भाई अपना यहीं पे बैठा फाजिलपुर में बैठ के पार्टी कर रहा जोगिंदर भी, चल एक बार उसके दौरा है जोगिंदर दौरा है कहीं करेंगे भाई को करन दो पार्टी, चल कर लेने दे पार्टी उसकी, फिर पार्टी खराब हो जाएगी हम बढ़ गए तो, पर कोई ना भाई वैसे अपने कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है ये, अरे ये क्या बातें कर रहा है इसकी बात करो भाई की मेहनत की। हाँ मेहनत तो है भाई, देखो ये वाली मेहनत है, और बाकी जोगिंदर को दिल से प्यार मेरी तरफ से, और मैं यार ये टॉपिक ज्यादा नहीं खींचना चाहता, जोगिंदर की यही करते जोगिंदर ने कर दिया, मेरी और भी लाइफ है यार। बिल्कुल भाई, बाकी हम ट्यूसडे को कर लेंगे बाकी अगर कभी मजा आया दोबारा से तो कर लेंगे ना, तो भाई मेरी तरफ से टॉपिक एंड है, ऐसा कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा जो मैं गुथ हूँ उसके साथ बैठ के। तो भाई की तरफ से अवार्ड लिया मैंने बहुत खुशी खुशी के साथ, एंड है जोगिंदर का टॉपिक है, जोगिंदर के साथ दिल में सदा प्यार रहेगा। पर भाई जोगिंदर भाई एक चीज और बता दो, आज हमारे सिस्टम में ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें और जुड़ गई हैं। हाँ शुक्र है हमारे सिस्टम में ना फंसा आज भाई, आज तो जुड़ गया, आज अगर फंस जाता ना आज उसका, मोनू भाई भी है, मोनू भाई कितना फ्रेंडली यार, कह रहा भाई क्या हाल है यहाँ पे बैठा, हमारी गैली बैठा था भाई, तो जो डाड़ी वाला जिससे कटारे की लड़ाई बजती रहे कि दड़ियल मोनू नाम है जिसका, मोनू हमारा भाई है भाई, गैल बैठा था आज हमारे, ऐसे कोई टेंशन नहीं, पर शुक्र है जोगिंदर हमारा उसमें ना फंसा तो सिस्टम में, तो बेटा गलत ही था, आ तो कुछ भी कोई भी बच जाता ना कोई भी तो गलत हो जाता, आज हम गलत चीजें ले रहे थे अपने साथ में और फुल वो ले रहे थे बुलेट प्रूफ वाले बंदे, पर चलो कोई नहीं, अपने फाजिलपुरिया भाई से भी मिल लिए, सारे भाई से मिलिंद गावा भाई से भी मिल लिए, और जितने भी मेरे हरियाणवी इंडस्ट्री के मेरे भाई आ रखे थे, खासा अड़े चार केडी भाई हमारा और अपना बिंटू भाई और भी बहुत सारे भाई थे, मतलब सबका नाम तो मैं कैसे गिनाऊं, सपना चौधरी जी भी आ रखी थी हमारी, उनके ऊपर जब स्टेज शेयर करा था हमने साथ में तो सबसे इंटरेक्शन हुई, और अपने क्या नाम है अभिमन्यू सिंह जी भी आ रखे थे सीएम ऑफिस से जिन्होंने मेरे को अवार्ड दिया था, बाकी मजा आ गया भाई अपना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, धन्यवाद हरियाणा इंडस्ट्री का, ऐसे नाम रोशन करेंगे भाई आगे भी, और होप करता हूँ आप लोग भी सपोर्ट करोगे, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, जोगिंदर के टॉपिक के साथ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।